प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारे महोदय जो गवर्नर साहब हो सके उतनी जल्दी फारूक अब्दुल्ला साहब हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग जो है वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है गवर्नर रूल भी है, प्रेसिडेंट रूल भी है। हम गवर्नर महोदय से यही एक अपील और एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि ताकि जितनी जल्दी हो सके आप इलेक्शन को जितनी अर्ली हो सकता है आप उसको कीजिए, ताकि आम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं। क्योंकि गवर्नर अपनी जगह अपना काम तो कर रहा है, उन्होंने अपने एडवाइज़र 5 बनाए हैं, लेकिन वो आम पब्लिक आम लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। इसलिए हम यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके पार्लियामेंट के साथ असेंबली इलेक्शन का होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो डेवलपमेंट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, और ख़ासतौर पर जो आज आप हाल ही में लोग धरने पर जो बैठे हुए हैं, क्योंकि आम सुनवाई आम पब्लिक की नहीं है। क्योंकि लद्दाख का या कश्मीर का या जम्मू के जितने भी आवाम है वो बार बार ना तो सेक्रेटरीट में जा सकते हैं ना अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि जब चुने हुए प्रतिनिधि चुने हुए जब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से जो लोग चुन के आ जाएंगे और वो कम से कम अपने पब्लिक की अपनी सरकार बनेगी और अपनी सरकार जो होगी, और हमें पूरी उम्मीद है और हम कॉन्फिडेंट के साथ कहना चाहते हैं जो हमारे लीडरशिप ने हमें जो आदेश दिया है, क्योंकि इलेक्शन का बिगुल बज गया है लेकिन डेट अभी उन्होंने फाइनल नहीं की है, लेकिन डिस्प्लेस माइग्रेंट सेल जो है वो इसके लिए बिल्कुल तैयार हो गई है।